Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with advanced English words and sentences. These words and sentences must help you to speak English fluently. So before start, please subscribe my channel and press bell icon so that you can get a notification of new videos. So let's start. First one is A man is known by company he keeps. A man is known by company he keeps. आदमी अपनी संगत से जाना जाता है. Next one is carry on. Carry on मतलब चालू करना. चालू करना. We can frame many sentences with this one like You should carry on your work now. You should carry on your work now. अब आपको अपना कार्य चालू करना चाहिए. अब आपको अपना कार्य चालू करना चाहिए. तो डियर फ्रेंड, इस प्रकार से कैरी ऑन के द्वारा हम बहुत सारे सेंटेंस और भी हम फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज कैरी आउट. कैरी आउट मतलब पूरा करना. पूरा करना. काउंट ऑन. नेक्स्ट वन इज काउंट ऑन. काउंट ऑन मतलब भरोसा रखना. भरोसा रखना. वी कैन मेक मैनी सेंटेंसेस लाइक डू अवे विथ मतलब छोड़ना या छुट्टी पाना या नष्ट करना. डू अवे विथ मतलब छोड़ना, छुट्टी पाना या नष्ट करना. वी कैन मेक मैनी सेंटेंसेस विथ डू अवे विथ लाइक डोंट डू अवे विथ एवरीथिंग ऑन सर्वेंट. डोंट डू अवे विथ एवरीथिंग ऑन सर्वेंट मतलब सब कुछ नौकर पर मत छोड़ दो. सब कुछ नौकर पर मत छोड़ दो. तो इस प्रकार से हम डू अवे विथ के द्वारा और भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज ड्रॉप इन. ड्रॉप इन मतलब मिलने जाना. मिलने जाना. फेड अप. फेड अप मतलब ऊब जाना, परेशान हो जाना, त्रस्त हो जाना. इसके लिए हम फेड अप का यूज करते हैं. जैसे फॉर आई एम फेड अप विथ लॉकडाउन. मैं लॉकडाउन से ऊब चुका हूँ, थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ. तो इस प्रकार से हम फेड अप से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. फेड अप विथ लॉकडाउन. नेक्स्ट वन इज गो विथ. गो विथ मतलब जमना या मैच करना. जमना या अच्छा लगना या मैच करना. तो जैसे दिस टाई गोज वेल विथ दिस सूट. दिस टाई गोज वेल विथ दिस सूट. यह टाई इस सूट के साथ जम रही है या यह टाई इस सूट के साथ अच्छी लग रही है. तो इस प्रकार से अच्छी लगने के लिए या जमने के लिए हम वेल विथ का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज गो विदाउट. गो विदाउट मतलब किसी चीज़ के बिना गुजारा करना. किसी चीज़ के बिना गुजारा करना. जैसे ही हैड टू गो विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज. उसी का गो विदाउट का सेंटेंस यूज कैसे कर सकते हैं. ही हैड टू गो विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज. उसे कई दिनों तक बिना भोजन गुजारा करना पड़ा. तो इस प्रकार से ही हैड टू गो विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज. उसे कई दिनों तक बिना भोजन गुजारा करना पड़ा. नेक्स्ट वन इज हैंग ऑन. हैंग ऑन मतलब डटे रहना. डटे रहना. जैसे हम कुछ एग्जांपल के द्वारा इससे भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. एक्चुअली दीज आर द फ्रेजेस. विद द हेल्प ऑफ दीज फ्रेजेस वी कैन फ्रेम मैनी सेंटेंसेस. फर्स्ट जैसे ही इज स्टिल हैंगिंग ऑन टू हिज जॉब. ही इज स्टिल हैंगिंग ऑन टू हिज जॉब. वह अभी अपने जॉब में डटा हुआ है. वह अभी भी अपने जॉब में डटा हुआ है. यानी किसी चीज़ में लगे रहने के लिए हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज हैव इट बोथ वेज. हैव इट बोथ वेज दोनों ओर से फ़ायदा उठाना. दोनों ओर से फ़ायदा उठाना. हेल्प आउट. हेल्प आउट मतलब संकट से उबरना. संकट से उबरना. हिट द नेल ऑन द हेड. हिट द नेल ऑन द हेड सीधी सच्ची बात कहना. Nowadays people do not like hit the nail on the head. आजकल लोग सीधी सच्ची बात कहना पसंद नहीं करते हैं. नेक्स्ट वन इज कीप कंपनी. कीप कंपनी मतलब साथ रहना या संगत करना. कंपनी मतलब साथ, की मतलब रखना. तो साथ रखना या संगत करना.
So, dear friends, these are some sentences and phrases which are very important to speak English. So, dear friends, यदि आपको इस प्रकार का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.